इनोवेशन आया था स्मार्टफोन का एंड मार्केट स्मार्टफोन की चर्चा कर ली, और साथ साथ तीन इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा हो चुका है, दैट इज़ ए डेटा बैंक, डेटा सेंटर्स एंड सोशल मीडिया। तो इस तीन इंडस्ट्रीज का एक मिक्स ऑफ, साथ में ई कॉमर्स, और उस ई कॉमर्स में आपको इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट, इलीगल सर्विसेज छोड़ के, माने मतलब हम गुटखा प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ से गुटखा नहीं बिकेगा, नो टोबैकोस बिकेगा, नो एल्कोहल्स एंड नो अदर इलीगल सर्विसेज। 17 कंट्री में चालू है लास्ट 15 मई 2020 से, बेस्ट फ्रॉम रांची झारखंड, और इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर है। इसको सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू गेट साइन अप। आप जो खर्चा करते हैं, आप पैरासिटामोल का गोली खरीदते हैं, आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, एनी ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आपके खर्चे पे हम आपको 1 से 16% का कैशबैक जनरेट कर देते हैं, और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कम्प्लीटली फ्री। सपोज आप अमेजन, जोमेटो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, देर इज़ अ सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर 3 मंथ या 1 ईयर्स। हाँ, मैं आपका अमेजन का ही प्रोडक्ट मेरे पोर्टल में दूंगा, आप लिंक में क्लिक कीजिए, अमेजन में डाइवर्ट होगा, अमेजन का प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैं आपको अमेजन में डाइवर्ट कर दिया। आप पैसा दीजिए अमेजन को, प्रोडक्ट लीजिए हमसे। मैं एग्जांपल अमेजन बताया, इस टाइप का 1200 पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, आपको घर में पंडित जी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एनीथिंग, तो आपके खर्चे में आप वहाँ से सामान खरीदे, योर ब्रांड योर बजट, और आप वो प्रोडक्ट को लेके हमको थोड़ी कागज दीजिए, उसका बिल जो है बिल सबमिट कीजिए, नेक्स्ट मंथ 15 to 20 आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, जो पैसा आप 100% यूज़ कर सकते हैं, बैंक में उपयोग कर सकते हैं, या आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ये है एक्स वाली। हाँ, यूनिक तो बोला जी, यूनिक कुछ नहीं है, बाजार का प्रोजेक्शन को उठा के ही अपना एक स्ट्रैटेजी बना के, क्योंकि इंडिया में दो चीज़ चलता है, एक फ्री चलता है। 2016 में हम लोग हाफ हाफ किलोमीटर लाइन देके जियो का सिम उठाए थे, 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के बाद हम ही लोग गाली दिए थे, है ना, ये भाई गलत काम कर लिया। तो इंडिया में फ्री चलता है, तो वही फ्री, और फ्री में भी हम एक्स्ट्रा कैशबैक दे रहे हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट। छवि जी, आप किस तरह से हिस्सा बनी कभी सेंटर में? मुझे जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया था तो मुझे बहुत ही यूनिक वे में, जैसे आपने बोला अभी कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑफकोर्स बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की और एम्प्लॉयमेंट देने की और बढ़ाने की जो इन लोगों ने कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। अभी जो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आई बिलीव हम आज लॉन्च कर रहे हैं, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल डे, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे, इस डे पर वो वीडियो लॉन्च होगा, आप सभी देखेंगे, उसमें बात भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और बनने की हो रही है। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था तो मैं ना ही नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, उनका आगे आना, ऐसे थॉट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ पे हर इंसान हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहा है, वहाँ पे एक थॉट लेकर आना और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये बहुत बड़ी बात है, एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस थॉट एंड क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ऑल्सो फॉर वुमेन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं और आप कम एजुकेटेड हैं, नो, सबके लिए सबको बराबरी का इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया और कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने हाँ बोला और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। एक्सवर्ल्ड में और एक सर है, मैं तो अभी आपको शॉपिंग के बारे में बता रहा था। एक्सवर्ल्ड जैसा छवि जी बोला अभी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कैसे कर रहा है? सपोज रूरल इंटीरियर टू इंटीरियर गाँव में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कुछ महिलाएँ आपका फिनाइल बना रहे, सैनिटरी नैपकिन बना रहे, तो एक्सवाइज इज ऑल्सो ई कॉमर्स साइट। हम लोग करके आ रहे, उनका इंटायर प्रोडक्ट, उनका इंटायर प्रोडक्ट हम लोग उठा ले रहे एंड उठा के सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर
एक बड़ा फोकस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज़ है, सपोज यू आर मेकिंग अ रिचार्ज फ्रॉम जियो, हाँ आपने एक रिचार्ज करा 250 रुपये का रिचार्ज, आप कोई भी UPI ऐप से कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 2 रुपये लगता है, आप हमसे करोगे आपको मिनिमम 2% से मैक्सिमम 4% देंगे कैशबैक। मजे की बात क्या है, आपने रिचार्ज कर अच्छा लगा, आपने मेरे को बोला, मैं आपके रेफरल लिंक से मैंने रिचार्ज करा, मेरे को जो मिला मिला, आपको एक्स्ट्रा मिला, तो देयर इज अ रेफरल मार्केटिंग ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ग्रोथ। कैसे आइडिया आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो आइडिया आ जाता है। बेसिकली मैं सेल्फ प्रैक्टिसिंग चार्जर कंटेंट, तो मैं लास्ट 20 साल से मैं खुद को नेटवर्कर समझता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ। और आइडियाज वेरियस, इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का देश है, कहीं भी चल जाइए देखिए इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है, तो वेरियस जगह से आइडिया अगर आप ग्रैस्पिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, नथिंग। सर व्हाई छवि फॉर दिस प्रोजेक्ट? देखिए छवि इज प्रीटी लुक, हाँ मैंने इसका कुछ सीरियल्स देखे एंड मैं छवि को पर्सनली नहीं जानता था, धर्मिष्ठा मैं आपको बताया जो वुमेंस एम्पावरमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी है, मैं बच्ची को आगे लेके आया हूँ, तो सीज ऑल्सो बच्ची, हाँ मेरे लिए मैं ओवर पर अभी सॉरी मैं सर को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि वाई छवि, मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि छोटे छोटे गाँव में, यू नो, छोटे छोटे शहरों में फीमेल कोई विमेन जो है फिनाइल बना रही हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रही हैं या उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, एंड ही बिकेम द सोर्स ऑफ यू नो ऑफ दोज वुमेन, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट आई ऑल्सो कम टू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन लाइक इट यूज, हाँ वो था एक टाइम पे जो पटना छोटा था, अभी तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गया है भगवान की कृपा से। तो मैं खुद भी छोटे शहर से हूँ और मैंने भी बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, तब हमारे टाइम पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, यू नो। तो आज जब मैं वहाँ से निकल करके मैंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तय की है वो दूरी, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन तब वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन आज के टाइम पे जब ऐसे लोग सामने आएंगे अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेगा, यू नो, और एक्सपैंड होगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ें नाउ डेज इट्स सोशल मीडिया ज़माना लोग कहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि गाँव के बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो हम डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े यू नो प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये टैलेंट कहाँ है, पर पता चलता है कहीं किसी गांव में वो ग्रुप बना करके यू नो दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली। अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के पास रोजी रोटी का एक माध्यम बने, तो कितनी अच्छी बात है ये, तो मुझे लगता है ऑल्सो आपकी जर्नी से भी बहुत जो महिला है वो इंस्पायर होती है, बिल्कुल एक रीज़न है उस माध्यम, मैं बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसे जोड़ना चाहता है इस चीज़ से, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी इस कॉज के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे मौका मिला, कोई पीछे ना रह जाए जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास कहते कि सोर्स नहीं है कि वो आगे कैसे आए या अपना घर कैसे चलाए, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी रही वैसे उनकी भी जर्नी हो, तो एंड आई बिलीव कि ऐसे और भी लोग आएंगे ऐसे बढ़िया डिफरेंट थॉट्स के साथ और कुछ कमाल का करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे, आई बिलीव। किस तरह का आगे सोच देखिए आगे करने वाला कितना कुछ एक्सपेक्ट करेगी एक चीज़? आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली मैं आपको पहले बताया कि हर इंसान का एक सोच होना चाहिए भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कोई भी शासक से या प्रशासक से देश आगे नहीं बढ़ता है जब तक आम पब्लिक आगे नहीं आएगा। वी आर हियरिंग दैट हम लोग अभी 5th सुपर पावर है, इकोनॉमिकल सुपर पावर, हम लोग 3 में जाएंगे, हाउ 140 करोड़ आबादी है ना, तो अगर हम जॉब क्रिएशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली GDP ग्रोथ होगा, कल 3rd नहीं पर हाँ शायद हम लोग बहुत जल्दी 1 नंबर में आ जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नोडल अथॉरिटीज़ है, हाँ उनको कंप्लायंस करते हुए, स्टैटू कंप्लायंस करते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं।
We have started initially small LLP companies, then we have converted it into private limited, then we are converting into public limited unlisted, and 2025 mein hum isko listing bhi karne ja rahe hain. एक जनरल सवाल पूछा जाए कि नॉर्मली जो कंपनी स्टार्टअप होती है स्पेशली वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रही है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं कैसे नहीं चल पाएगी? फ्लिपकार्ट तो इंडिया से इंडिया का कंपनीज है ना जिंदा, तो वो तो डिपेंड करता है जो किसका विज़न क्या है. रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप था, है ना, तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेनर्स जो है जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे उनका क्या विज़न है. 20 years back, I have resigned a multinational bank as vice president. AVP position था 20 years back. मैंने resign करा था to become the entrepreneur. That time I was in a network marketing company. मैं नाम नहीं लेता हूँ. 125,000 की सैलरी था उसमें. अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई AVP position, international bank आज के दिन वर्ल्ड का number one bank है, अगर नहीं छोड़ता तो मैं CEO बनता उसका. अरबों रुपया सैलरी होता मेरा. क्या कर लेते? दो ड्राइवर, 4 maid. दैट डे आई टुक द डिसीजन ये हमको करना है तो करना है. तो एक लंबा जर्नी चलते गया. आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से भी मिल दिए. तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है. As you said, you are in network marketing, तो अभी जो AI है, artificial intelligence, उससे क्या लगता है कितना कुछ? सर ये कंप्लीटली AI बेस्ड है. अच्छा, कंप्लीट AI बेस्ड है. कितना आगे फायदा हुआ, क्या लगता है? एकदम सर, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर. हाँ, अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर AI है ना. तो AI जब मैं वही बात शुरू किया था जब आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था. अगला 20 साल AI का, अगला 20 ईयर्स AI का है. और आप हर सेक्टर देख लीजिए, छोटा सा कोई छोटा सा सेक्टर से लेकर बिग सेक्टर्स तक एवरीवेयर इज AI. AI छोड़ के कोई काम नहीं कर रहा है. सर जो जिंगल बना हुआ उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, आज जो लॉन्च करेंगे और आज ही के दिन इसको रिलीज करेंगे. आज से अच्छा दिन तो कोई अच्छा नहीं. मैंने भी यही बोला. देखिए जिंगल का कंपोजिशंस जो है, एवरीथिंग जो है, वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया. मेरा एक ही सोच था उनको बताने के, जी भाई देखो, वी आर प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर प्रोमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, है ना, उसको प्रमोट करके वेस्ट करके बनाना है. और इसको 15 अगस्त ही लॉन्चिंग है. इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता. यस नमस्कार, मैं हूं आपका प्यार लकी तरार. जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, जब मालूम पड़ा कि ये एक वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है, तो हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके सीटिंग करी. टॉप के लिरिसिस्ट इसके अंदर इन्होंने लिखा है, ये जो एड फिल्म जो मैंने बनाया जस्ट, इसमें तनवीर गाजी सर जिन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स लिए हैं, आईफा फिल्म फेयर सब अवार्ड्स उनके नाम है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में लिखी है, तो वो इस एड फिल्म को उन्होंने लिरिक्स किया है. इसे म्यूज़िक दिया है हमारे राशिद खान सर ने, जिनके अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा म्यूज़िक आया है तू मेरी आशिकी, और ये भी म्यूज़िक उन्होंने ही किया है. और इस एड फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो है राजी रुइया सर, जिनके ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने आप लोग देख चुके हैं, फिल्में देख चुके हैं, ओ माई फ्रेंड गणेशा, अभी उनकी लव यू शंकरा आ रही है, और अब वो हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है. और इस प्रोजेक्ट जो आप देखने वाले हैं, ये सच में आपके अंदर की एक एनर्जी को, सच में आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, और ये वुमन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान ये जो है देखने वाले हैं आप थोड़ी देर में. हम लोग आज हमने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को इसे हम रिलीज़ करेंगे. सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं और इसे रिलीज़ करने वाले हैं. सो ये जो एड फिल्म आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आज से हम लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स से आने वाला है. सो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे. आप किस तरह से हिस्सा बने और क्या ब्रीफ आपको दिया गया था? जब ये ब्रीफ आया तो मालूम पड़ा कि नारी शक्ति के ऊपर है. मैंने देखा है जो नारी लोगों का, जितने भी इन वुमेंस हैं, उनका जो हमने देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है. मैं अपनी फैमिली से ले लूँ, या मैंने जब भी ऐसे नारी शक्ति के बारे में बात की है,
तो वहाँ मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इनके लिए कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि हम लोग बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, पर मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हम इसे लेके थोड़ा सीरियस थे, हमने इसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उन्हीं को लेके हमने इस एड फिल्म को बनाया है, और ये बहुत बड़ा एड फिल्म बना है, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, और आज जाके हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये मुझे लगता है कि बेंचमार्क होगा ये ऑडियो, और आप ज़रूर इसे इन्जॉय करेंगे। और जब इसे पूरा प्लान करने की बात कही गई, तो फिर मैं भी थोड़ा म्यूज़िक में भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इसे जो है रेडी करना है। तो इसे म्यूज़िक मैंने प्रोड्यूस किया है इसको पूरा, और डायरेक्टर जो थे वो राशिद खसर हैं जो इसे डायरेक्ट किए हैं, और जो पूरे एड फिल्म को डायरेक्ट किया है वो राजीव रुईया सर, वो जस्ट अभी हम मिलने वाले हैं अंदर में सब लोग को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।